हेलो तो दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग अपने पर परिवार के साथ मस्त होंगे धुआंधार होंगे शानदार होंगे दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ वह मोस्टली जो आंगनवाड़ी में आंगनबाड़ी में इस समय बावन हज़ार से अधिक पदों पर भर्ती निकली हुई है उसके बारे में बताऊँगा इसकी क्या अयोग्यता है फॉर्म इसके कैसे भराया जाएगा कब से इसकी फॉर्म की शुरुआत हुई है और इसकी लास्ट डेट क्या है क्या फीस रहेगी और इसकी उम्र सीमा पहले क्या थी और वर्तमान समय में क्या है ये पूरी जानकारी दूंगा आपको और कौन सा विभाग ये भर्तियां कराता है तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं जैसा आप इस थंबनेल पर इस तरह दिखाई दे रहा है आपको कि न्यूज की कटिंग है खबारी कटिंग है वो भी हिंदुस्तान और अमर उजाला की ये कटिंग है मित्र जो आपको मैंने शो कराई है जो आपको दिखा रहा हूं इसमें स्पष्ट इस लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी की बावन हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू इसकी योग्यता क्या होगी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं आपको देखिए प्रदेश सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्मियों मिनी आंगनबाड़ी कार्यकों कर, कर, के लिए बावन हजार पदों पर मानदेय मानदेय के पर, धार के आधार आधार पर, पर रखिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है इस बारे में चयन प्रक्रिया का फिर से निर्धारण किया गया है और मतलब पहले कुछ और चयन प्रक्रिया थी इस बार कुछ और चयन प्रक्रिया की गई है वो जैसा आपको बताता हूं अब चयन के लिए पात्रता की आय सीमा पात्रता की जो उम्र सीमा है उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसमें उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष इक्कीस वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की जो उम्र सीमा थी उसे घटा दिया गया है उसे कम कर दिया गया है जो उम्र सीमा थी यह पूर्व की है मित्र पूर्व की है लेकिन वर्तमान में देखा जाए वर्तमान में जो उम्र सीमा है मित्र वो 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष कर दी गई कितनी कर दी गई है 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष कर दी गई है मतलब मेरा यह है कि सीधी सीधी 10 वर्ष को घटा दिया गया है 10 वर्ष को क्या कर दिया गया है घटा दिया गया है जो उम्र सीमा आपको दिखाई दे रही है पहले जो उम्र सीमा थी वह लगभग लगभग इक्कीस वर्ष से लेकर के 45 वर्ष थी अब इसकी उम्र सीमा घटा करके 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक कर दिया गया है और इसके बाद बताया गया है कि इसके अलावा शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के बजाय हां अब देखिए ये तो जो उम्र सीमा थी अब शैक्षिक योग्यता बात करते हैं जो तो शैक्षिक योग्यता है उस पर बात करते हैं योग्यता शैक्षिक योग्यता पहले जो योग्यता थी वो कक्षा दस पास थी टेंथ पास थी क्या थी कक्षा दस पास जो पास महिलाएं थी वो इस पद के दावेदार थी लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो आय सीमा है पूर्व की है ये पूर्व की है लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान समय में शैक्षिक योग्यता है वो ट्वेल्थ कर दिया गया है क्या कर दिया गया है ट्वेल्थ पास कर दिया गया है मतलब जो उम्र सीमा है जो आंगनवाड़ी की जो आंगनवाड़ी कर्मी है उनकी जो उम्र सीमा है सॉरी जो योग्यता है वह कक्षा ट्वेल्थ मतलब बारह पास होना चाहिए बोले तो कक्षा बारह इंटर पास ही इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं इस पद के दावेदार होंगे इंटर कर दिया गया है और देखिए इस बारे में बाल विकास एवं पुष्टाहार इस बारे में बाल विकास एवं पुष्टाहार इस बारे में बाल विकास ठीक है इस बारे में देखो मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी जो जो इस विभाग ये जो भर्तियां करता है ये जो भर्ती करता है विभाग है वो कौन सा है बाल विकास एवं पुष्टाहार बाल विकास एवं पुष्टाहार पुष्टाहार बाल विकास एवं पुष्टाहार इसकी इस भर्ती की करेगा इसके जो अध्यक्ष हैं जो सचिव हैं अनामका सिंह ने संबोधित संबोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की आय सीमा के संबंध में चयन के लिए हाई स्कूल की अंक तालिका व प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी बासठ वर्ष की उम्र से पूर्व होने के बाद उनकी मानदेय आधार सेवा तय समाप्त हो जाएगी मतलब यह है कि इस वर्ष इस पद पर जो महिलाएं कार्य करेंगी वह केवल बासठ वर्ष तक ही करेंगी उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा तो मित्र ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने पेश की यह मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस जैसे विषयों को निःशुल्क और फ्री पढ़ाता हूं पढ़ाता हूँ यदि आप कोई अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे टेट सी टेट सुपर टेट के साथ साथ एसएससी, पुलिस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके आज के लिए इतना ही थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत